नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज वोटिंग के लिए बड़ा दिन है। गुजरात में 14 जिलों के 93 सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है और आज 5 राज्यों की 7 सीटों के लिए भी बायपोल हुआ और श्रीनगर घाटी में 2 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए भी मतदान हुआ है। लेकिन सबकी नज़र गुजरात चुनावों पर टिकी हुई है। गुजरात के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों की सीटों पर आज वोट पड़े हैं। इन सीटों पर 2017 में पाटीदार आंदोलन चला था और इन इलाकों में ओबीसी ट्राइबल दलित की भूमिका अहम रही। 2017 में 3 युवा चेहरे राजनीति में उभरे और इन्हीं सीटों पर हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर उस समय दी थी। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर अब बीजेपी में जा चुके हैं। पिछली बार 2017 में बीजेपी ने इन सीटों पर 51, कांग्रेस ने 39 और अन्य ने 3 सीटें जीती थी। इस बार आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत हिस्सेदारी दर्ज कराने का दावा कर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने आज वोट डाले हैं। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के रणिप में वोट डाला, लेकिन इसी दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से रोड शो कर दिया है। कांग्रेस और तृणमूल ने आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा दिया है। कहा है कि 2.5 घंटे का प्रधानमंत्री और चले हैं तो कई किलोमीटर बता रहे हैं। बहरहाल इन्हीं ये मुद्दे रहे आज और इन्हीं पर बात करेंगे और तमाम हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के पास चलते हैं। सोहित, कितना मतदान प्रतिशत रहा, क्या आंकलन? शाम के 6 बज चुके हैं। जी देखिए, जो चुनाव आयोग है वो औपचारिक तौर पर अभी ऐलान कुछ समय में करेगी कि कितना मतदान का प्रतिशत रहा है, लेकिन जो शहरी विभाग की अगर बात करें तो जिस तरह से पहले चरण में हमने देखा था कि लो वोटर टर्नआउट था, उसी तरह के हालात दूसरे चरण में भी देखने मिले हैं, खासतौर पर शहरी इलाकों में। अब ये कहा जा रहा है कि 55% के करीब ये मतदान हो सकता है, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कुछ समय में किया जाएगा, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कुल मतदान कितना हुआ है। आकलन की बात करें तो शहरी इलाकों में कहीं ना कहीं जो दिन भर हमने शब्द सुने वो थे विकास, मोदी जी का नाम बार बार सुना गया और साथ ही साथ हिंदुत्व का एक मुद्दा, इसके बारे में खास तौर पर शहरी विभागों में इसका जिक्र ज़्यादा हुआ। जो दिन भर हमने बातचीत की उसमें जो स्थानीय या फिर जो राज्य के मुद्दे हैं वो कम दिखे। जो मुद्दे दिखे वो ये दिखे कि किस तरह से भारत G20 में पहुंच चुका है, G20 भारत में होने वाला है, किस तरह से देश का नाम रोशन हो रहा है, किस तरह से गुजरात अमरीका बनने जा रहा है, इस तरह की चीज़ों पर लोगों ने ज़्यादा चर्चा किया। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उन्होंने ज़रूर, कई महिलाएं ऐसी थी जो महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की, बेरोजगारी पर बहुत कम बातचीत देखने मिली, मोरबी ब्रिज पर तो किसी ने बात ही नहीं की जो हादसा हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम जिस अहमदाबाद में हम रुके हुए हैं वहां पर अधिकांश जो मुद्दे थे वो राज्य या फिर उस इलाके से संबंधित ना होकर जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो देखने मिले। हालांकि जैसे ही आप अहमदाबाद के बाहर आउटस्कर्ट्स पर जाएँ, ग्रामीण इलाकों में जाने लगे, वहाँ पर हमने देखा कि गौशाला का मुद्दा एक काफ़ी बड़ा मुद्दा था, पानी की समस्या एक दूसरी चीज़ थी, किसानों को होने वाली परेशानी एक मुद्दा था और महंगाई का मुद्दा था। तो जिस तरह से कहा जाता है अर्बन वर्सेस रूरल वाला जो एक पूरा गुजरात में हमेशा से रहा है एक हिसाब, वही देखने को फिलहाल दिख रहा है। और इस पूरे आकलन की बात अगर मैं करूँ तो बीजेपी ने काफ़ी तरीके से जो शुरुआत में उन्होंने उसे कारपेट बॉम्बिंग का शब्द दिया था, उसका असर शहरी इलाकों में देखने मिला। अलग अलग राज्य के यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री आए हुए थे। कांग्रेस ने दूसरी ओर, आप देखेंगे कि टीवी या सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो जो नेता है वो अपने सोहित आप नजर बनाए रखें। एक बहुत दिलचस्प जानकारी दर्शकों को दे दें, क्योंकि एग्जिट पोल का समय है, हालांकि 6:30 बजे कहा जा रहा है, लेकिन इस समय हम अपनी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश करें, ये दिल्ली के MCD के नतीजे हैं। इस बार तीनों MCDs का विलय हो गया था, 250 सीटें थी और आप देख सकते हैं क्या क्या ये प्रोजेक्शन, ये रुझान है जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। 250 सीटों में से आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिल रही हैं, मिलती हुई दिख रही हैं, ये प्रोजेक्शन है। कांग्रेस को 3 से 60 और आम आदमी पार्टी को 140 से 171 ये सीटें हैं और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलती हुई दिख रही है। ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, ये एक तरह से रुझान है, ये एक MCD पोल, जिस तरह से तमाम दावे आम आदमी पार्टी कर रही थी, आप दावे किए जा रहे थे,
बीजेपी ने भी अपना पुरजोर यहां पर दम लगाया था। एमसीडी के चुनाव में तमाम, आपको बता दें, मुख्यमंत्री, बीजेपी के करीब 6 मुख्यमंत्री यहां पर एमसीडी चुनाव के लिए उतरे थे। संजीव झा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हैं, देवेंद्र पटेल हमारे साथ गुजरात से पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। लेकिन पहले अगर मैं संजीव झा के पास चली जाऊं, संजीव जी एग्जिट पोल आ गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं, राहत की सांस ले रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि एमसीडी में बीजेपी का इस बार सुपरा साफ होने वाला है। मुझे लगता है कि जो आंकड़े आप देख रहे हैं इससे भी बड़े आंकड़े आपको परिणाम में दिखेंगे। मुझे लगता है कि वो बड़ा सरप्राइजिंग होगा। उसके 3 कारण है। पहला कारण कि देखिए, बीजेपी पूरे चुनाव के दौरान नेगेटिव कैंपेन करती रही, केवल गाली गलौज करती रही। उन्होंने काम क्या किया इन्होंने नहीं बताया, या आगे का प्लान क्या है नहीं बताया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के जो 7 साल के दिल्ली में काम है, जो गवर्नेंस का मॉडल है, उससे जो दिल्ली की जनता को फायदा हो रहा है वो दिल्ली की जनता उसके साथ खड़ी है। तीसरा, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के दौरान एक आम आदमी पार्टी अरविंद जी को बदनाम करने का, सभी मंत्री को बदनाम करने का, ये तमाम कोशिश जो कर रहे थे लोग, उससे गुस्से में थे। लोग ये कह रहे थे कि भाई, आपने जो 15 साल में लूटा है एमसीडी को, पूरे का पहाड़ दिया है आपने, कोरो का शहर बनाकर रख दिया, इसका क्या कारण है? नतीजे तो है नहीं, ये अभी नतीजे तो है नहीं। बहरहाल, क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम वायदे किए, क्या जो एंटी इनकम्बेंसी थी, किसी भी जो सत्ता संभालते हैं उनके खिलाफ ये जाती है एंटी इनकम्बेंसी जो 15 साल से थी, उसका खामियाजा बीजेपी को इस समय देखना पड़ रहा है, अगर ये इन पे थोड़ा बहुत यकीन किया जाए तो? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये जो परिणाम जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं, इससे भी बड़े आंकड़े आने वाले हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि इससे बड़े आंकड़े आने वाले हैं। इसलिए आने वाले हैं कि 15 साल में उन्होंने काम के नाम पे कुछ नहीं किया। एमसीडी से क्या फायदा हो रहा है जनता को नहीं पता, लेकिन एमसीडी में लूट क्या क्या हो रहा है ये जनता को पता है। दूसरी तरफ बीजेपी जो कैंपेन कर रही थी उसमें कोई एजेंडा नहीं था, केवल गाली गलौज के सिवाय, केवल अरविंद जी को गाली गलौज देने का, तरह तरह के फर्जी वीडियो दिखाने का। तो आप अपने काम का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, आपने क्या किया ये नहीं बता रहे हैं, आप केवल गाली गलौज कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये पसंद नहीं करती है। तो मुझे ये लगता है कि एक गुस्सा भी था एमसीडी से लोगों का, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का, और वही गुस्सा ये संजीव, या ये माना जाए कि ये बिल्कुल निकाय के चुनाव है और आम आदमी पार्टी सत्ता में तो है, लेकिन अगर इस पे भी हिस्सेदारी मिलती है एमसीडी में आम आदमी पार्टी को, तो जो प्रशासन है या जो साफ सफाई है या जो दिल्ली, स्थानीय दिल्ली नागरिकों के मुद्दे हैं, उनको बेहतर तरीके से समझाया कराया जा सकेगा? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। देखिए, सरकार में हम हैं, विधायक हम हैं, लेकिन पार्षद नहीं होने में कई सारी परेशानियां आती थी। बहुत सारे ऐसे काम जहां एमसीडी आके रोकती थी, जनता परेशान होती थी, वो राजनीति का शिकार जनता को होना पड़ता था। ये छोटी गलियां एमसीडी की, बड़ी गलियां दिल्ली सरकार की, छोटी नालियां एमसीडी की, बड़े नाले दिल्ली सरकार की, जनता बड़े कंफ्यूज था। तो मुझे ये लगता है कि अशोक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो जैसे ही जुड़ते हैं उनका भी रिएक्शन लेंगे इसमें, वो मुझे बताया जा रहा है जुड़ने जा रहे हैं। देवेंद्र जी, हालांकि ये दिल्ली के निकाय चुनाव है, आप गुजरात में बैठे हैं, ये जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग मुद्दे होते हैं, स्टेट असेंबली के अलग मुद्दे होते हैं, और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हर मुद्दे अपनी लोकल इम्पोर्टेंस या उनकी जरूरत के मुताबिक लोग वोटिंग करते हैं। मेरे ख्याल से जो मिलसी में आज जो मैं आप देख रहा हूं कि वो फिर से आप आम आदमी पार्टी शायद अगर इतनी बैठ सीटें ले जाती है तो इसकी असर पूरे गुजरात पर कोई नहीं है, वो लोकल फैक्टर है और वो लोकल परिबल है, जो ऐसे तत्व है कि जो लोकल ही इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं, अशोक सिन्हा हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। अशोक सिन्हा, किस तरह से देख रहे हैं आप जो एमसीडी के एग्जिट पोल के रुझान सामने आ रहे हैं? बीजेपी बिल्कुल जा रही है और जिस तरह से इतनी बहुमत मिलती दिख रही है आम आदमी पार्टी को, एक बड़ी ठेस है बीजेपी के लिए ये? नहीं, देखिए, ये तो पहली बात तो कि ये एग्जिट पोल है और इसके फार एंड वाइड कोई इम्पैक्ट ऐसे भी नहीं पड़ने वाले हैं, अगर मैं मान भी लूं कि ये परिणाम में परिवर्तित होंगे, क्योंकि एमसीडी ये कम्प्लीटली अर्बन एरिया है और वहाँ बहुत फैक्टर काम करते हैं, कुछ
सतही फैक्टर काम करते हैं, कुछ डीप फैक्टर काम करते हैं, और ये एकदम लोकलाइज्ड उनके कैंपेनिंग हो सकता है कि हमारे कैंपेनिंग से ज्यादा इफेक्टिव रूप से हो। अदरवाइज भी ये कहीं भी आप ये एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुआ कि किस तरह से हम वो हमारे जो करप्शन के चार्जेस थे वो प्रूव वो अनप्रूव है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना इफेक्टिव कैंपेनिंग, अभी तो देश में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैंपेनिंग तो बीजेपी की रही है। कभी भी आप देखिए पूरी अभी चुनाव का नतीजा भी नहीं आया, अभी से बीजेपी की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री ने इसका वो किया, और जो ये एमसीडी के प्रचार के लिए कई कई मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार किया, तो इफेक्टिव कैंपेनिंग आप कह रहे हैं बीजेपी की नहीं रही, ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। निधि बहुत लोकल ढंग का इलेक्शन है ये, बहुत जिसे गांव में कहते हैं पंचायत टाइप का इलेक्शन, तो ये छोटे छोटे घरेलू मुद्दे जो होते हैं हो सकता है कि वो सक्सेसफुली वो उजागर कर रहे हो, मगर एक चीज मान के चलिएगा कि पूरे कैंपेनिंग में आम आदमी पार्टी कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि उस पे करप्शन के जो चार्जेज हैं वो उस चार्जेज को किस तरह से नकार रही। तो हो सकता है कि पब्लिक में वो जैसे बिजली देंगे फ्री, पानी देंगे फ्री, कहीं कहीं ये भी बहुत इफेक्टिव रूप से लग जाता है लोगों को, तो ये अर्बन इलेक्शन है और बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन है, इसलिए इसमें आप अर्बन के कह रहे हैं। अब आप देखिए ना गुजरात में तो अर्बन वोटर ही बीजेपी को वोट करता है और करता चला आया है, वो तो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो, ये यहाँ ये बिहार, गुजरात और दिल्ली दोनों को एक साथ है निधि कंपेयर नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हर जगह अपनाना पड़ेगा। ये तो कैंपेनिंग का एक पार्ट ही होता है कि इस जगह का ये कैंपेनिंग, इस जगह का ये कैंपेनिंग, और इन्होंने सक्सेसफुल ढंग से अपनी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया है यहाँ पे, और फिर अभी तो परिणाम है, ये तो एग्जिट पोल है, अभी इसको परिणाम आने दीजिए परसों, तब हम लोग देखेंगे कि फिर ये क्या सही है क्या। मशीनरी का दुरुपयोग तो विपक्ष भी लगाता है सरकार पर। हमारे साथ कांग्रेस के चरण सिंह सापरा जुड़ गए हैं। अब सापरा जी, हालांकि आप महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, वहां पे आप देखते हैं, लेकिन दिल्ली में जो ये नतीजे आए, यहाँ पर भी कांग्रेस बिल्कुल गायब है। मुझे अभी ऑडियो तो नहीं आ रहा, स्क्रीन आप देख लीजिए, स्क्रीन में एग्जिट पोल ऑफ पोल्स एमसीडी आ रहा है, कैसे कांग्रेस रिएक्ट करेगी? सापरा जी आप सुन पा रहे हैं, ये एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं दिल्ली में, दमदार आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जिस तरह से अपना प्रचार किया, उसका नतीजा आप देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कांग्रेस का क्या मंथन, आत्ममंथन क्या चल रहा है? नहीं सुन पा रहे हैं मुझे सप्रा जी, लेकिन बहरहाल ये एमसीडी के समय के आप देख सकते हैं जो हमारे सामने एग्जिट पोल ऑफ पोल्स आ रहे हैं, और इसमें 250 वार्ड एक तरह से बना दिए गए और उसमें आम आदमी पार्टी को एक तरह से इतनी बहुमत मिलती हुई दिख रही है। ये नतीजे नहीं हैं, ये पोल्स ऑफ पोल्स हैं, आपको बता दें। संजीव झा, इससे संजीव क्या क्या सीख आप ले रहे हैं इससे, क्योंकि जीत हासिल करना, उस जीत को संभालना, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। देखिए मुझे लगता है कि अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, कह रहे थे बहुत लोकलाइज चुनाव है, लेकिन इस लोकलाइज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 मुख्यमंत्री, 19 केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री इसमें चुनाव प्रचार करने आए थे, और मुझे ये लगता है कि अगर इतना ही लोकलाइज था तो गली गली में इनके मुख्यमंत्री और इनके केंद्रीय मंत्री नहीं घूमते होते, तो ये तो कोशिश अपने पूरी की। लेकिन जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि देखिए मुझे ये लगता है कि अब कामकाज में आसानी होगी, मुझे ये लगता है कि मान लीजिए मैं अपने क्षेत्र का विधायक हूँ और अगर हमारा हमारा पार्षद है तो एक जनता को कन्फ्यूजन नहीं है, और कई बार किसका क्या काम है जनता को नहीं पता, और एमसीडी का कूड़े की सफाई काम है जनता को नहीं पता, जनता हमारे पास भी आती है, हम चाह के भी नहीं कर पाते थे। दूसरा, सबसे बड़ा करप्शन का सेंटर एमसीडी बना हुआ था, मुझे लगता है कि अब बेहतर तरीके से दिल्ली को साफ सफाई की जाएगी, जो अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि सुंदर शहर बनाना है दिल्ली को, तो बिना एमसीडी के नहीं हो सकता था, तो मुझे पूरा विश्वास है अब दिल्ली के लोगों को ये लैंड टैक्स से आजादी मिल जाएगी,
5 साल में पूर्व की पहाड़ सजा दी मिल जाएगी, जी साफ मुझे बताया जा रहा है चरण सिंह सापरा में सुन सकते हैं। चरण सिंह जी, एक झटका है कांग्रेस के लिए जो एमसीडी के नतीजे सामने आए हैं, या इसके लिए कांग्रेस तैयार थी? देखिए, ये तो अभी एग्जिट पोल आप बता रही हैं, ये कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है। मेरे ख्याल से 8 तारीख के नतीजे जो रहेंगे उसके अंदर इस तरह से नहीं नजर आएगा, और कांग्रेस पार्टी के अधिकतर लोग जो है वो जीत करके आएंगे। कांग्रेस पार्टी का रोल जो है वो दिल्ली की एमसीडी में बहुत बड़ा रहेगा, मैं इतना कहना चाहता हूं। आप 7 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अपने आप में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, आपको लग रहा है पिछली बार से अगर 21 कम, अगर ये जो प्रोजेक्शन है एक तरह से कांग्रेस की तरफ से दिल खोलकर प्रचार ही नहीं किया गया, जो स्थानीय नेता थे या दिल्ली में जो बड़े नेता मौजूद हैं कोई उतरकर प्रचार के लिए दिखाई नहीं, तो उसका ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई खामियाजे वाली बात होगी, लेकिन दिल्ली के जो हमारे स्थानीय नेता है उन्होंने अपने अपने इलाके में ठीक प्रचार किया है। हमारे जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार स्थानीय मुद्दे जो उस इलाके के उस वार्ड के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर उन्होंने वो सारा चुनाव लड़ा। कोई ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, हम ड्रामा में नहीं गए, नौटंकी में नहीं गए हैं, लेकिन जनता के बीच के गलियों के जो मुद्दे हैं, कूड़ा का जो मुद्दा है या फिर और हेल्थ क्लिनिक के जो मुद्दे हैं, वो तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जरूर हम जनता के बीच में गए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो फिर एक बार दिल्ली उसी तरह की आपको नजर आएगी जिस तरह से शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली का विकास हुआ, उसी तरह का विकास हम फिर से कर पाएंगे। तो कुछ तो चला नहीं है ना सापरा जी, अगर आप स्थानीय मुद्दे कह रहे हैं तो हम संजीव झा को भी सुन रहे थे और हम अशोक सिन्हा को भी सुन रहे थे, ये भी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो यानी कि बिल्कुल तवज्जो दी नहीं गई इन चुनावों को कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि यहीं पे 15 साल शीला दीक्षित की सरकार चली है। ऐसा नहीं है कि तवज्जो नहीं दिया गया है, ठीक है, चुनाव में चुनाव कम ज्यादा होती है, ये जरा एको आ रहा है, एको निकल, ठीक है। सुदीप, आप भी दिल्ली आते रहते हैं, आपका क्या आंकलन है जो ये प्रोजेक्शंस आए एमसीडी को लेकर, क्योंकि ये एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी ने प्रचार किया था, लग रहा था कि ये विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा चुनावों से कम नजर नहीं आ रहे थे, इतने 6-7 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने केंद्रीय मंत्री प्रचार कर रहे थे, तो इतना बीजेपी की तरफ से भी प्रचार हुआ, आम आदमी पार्टी के तो मुख्यमंत्री हैं ही जो लगातार यहाँ पर बने हुए थे गुजरात में भी और यहाँ पे भी प्रचार, क्या आंकलन है आपका, जो ये इनका क्या असर एमसीडी के अगर इस तरह के प्रोजेक्शन आ रहे हैं तो राजनीति पे क्या असर है इस तरह के प्रोजेक्शंस का? देखिए निधि, ये जो एमसीडी के नतीजे हैं अगर इसी तरीके से आते हैं जैसे कि आप प्रोजेक्शन दिखा रही हैं, तो ये एक पूरी तरह एस्टेब्लिश हो जाएगा कि दिल्ली में कम से कम कांग्रेस को पूरी तरह से आपने रिप्लेस कर दिया है। और जिस तरीके से शीला दीक्षित लगातार जीत रही थी 15 साल, वैसे ही आम आदमी पार्टी को दूसरा टर्म मिल चुका है, और एमसीडी में भी अगर वो काबिज हो जाती है तो उस स्थिति में ये आप ये मानिए कि पूरी तरह कांग्रेस को रिप्लेस करके आप आ चुकी है, और इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है जो आप कह रही थी, उसने खुद ये दिल्ली को कंसीड किया है आपसे, और अब मैदान छोड़ दे जैसी स्थिति है। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को पूरे देश में भारी बहुमत 2 लोकसभा चुनाव में मिला है, लेकिन उनको ये परेशानी हमेशा दिल में बनी रहती है कि जो तो फ्रीज हो गए हैं सुदीप, लेकिन जो लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली की वो तमाम बीजेपी के खाते में, तो ये जो द्वंद्व है इन दोनों के बीच, बीजेपी और आम आदमी की पार्टी के बीच, ये चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये अहम आंकलन एक तरह से सुदीप कह रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये है कि पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को। जी सुदीप, अगर आप अपनी बात पूरी करें फिर मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। मैं छोटे से मैं कह दूंगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं को ये बात सालती है कि देश के दिल दिल्ली और देश की राजधानी में वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। विधानसभा तो वो हार ही गए थे, अब एमसीडी भी अगर वो हार जाते हैं, इतना बड़ा प्रचार तंत्र रखने के बावजूद 6-6 मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री के बाद, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए झटका है।
और ये कहीं ना कहीं ये भी मानिए कि मतदाता एक करेक्शन देता है कि अगर बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहा है कई राज्यों में तो कुछ जगहों पर वो बिल्कुल संजीव झा, एक सवाल आपसे, आप लोगों के लिए अगर ये नतीजे सामने आते हैं तो एमसीडी पे विधानसभा में, लेकिन जो सातों के सातों सांसद हैं लोकसभा के, जब चुनाव आते हैं वो सब बीजेपी को गए थे, कोई भी आम आदमी पार्टी का नहीं जीता था, तो अब अगला टारगेट आप लोगों का यही होगा कि किस तरह से लोकसभा भी जीती जाए दिल्ली की? देखिए, मुझे लगता है मैंने ये कहा कि ये जो एमसीडी के परिणाम जो आपके सामने जो आंकड़े दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा अप्रत्याशित परिणाम आपको 7 तारीख को मिलेगा। मुझे लगता है बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये अरविंद केजरीवाल जी के 8 साल के गवर्नेंस पे भी मुहर है। एक तरफ बीजेपी तमाम झूठ का प्रचार करते रही जिस पर दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं किया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के काम पे भरोसा किया है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, अभी दिल्ली में विधानसभा में हम जीते, एमसीडी में चुनाव साफ होने वाला है। इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ होगी, क्योंकि कई सारी परेशानियां सांसद के काम नहीं करने के कारण भी होते हैं। अगर सांसद भी आम आदमी पार्टी का हो तो और ज्यादा काम आसान हो जाता है। बहुत सारे मुद्दे जो संसद में दिल्ली के उठने चाहिए या दिल्ली को पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 का जो परिणाम होगा वो आप 2019 के परिणाम के विपरीत। साबरा जी, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया आम आदमी पार्टी ने, दुखद है कांग्रेस के लिए ये। नहीं, अगर इस तरह से, जिस तरह से आपके आंकड़े दिखा रहे हैं, अगर इस तरह के नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन इसमें करना पड़ेगा दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली को हम इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजें इंट्रोस्पेक्ट करके बहुत सारा उसमें नई चीजें लाने का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं है कि जिस तरह से आपके आंकड़े जो दिखा रहे हैं, 7 तारीख को इस तरह के नतीजे आएंगे ऐसे मुझे लगता नहीं है। हमारे नेताओं ने वहां पर, हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, लोगों तक पहुंचे हैं, लोगों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी सारी चीजें ईवीएम में बंद है। मेरे ख्याल से 7 तारीख को इसका पूरी तरह से खुलासा होगा, तब ठीक हम बात कर पाएंगे। अशोक सिन्हा जी, आपको ये नहीं लगता कि अगर आपके तमाम सांसद आपके हैं उसके बावजूद इतना बड़ा प्रचार यहाँ पर होता है, प्रचार तंत्र बीजेपी की चुनावी मशीनरी लगती है, उसके बाद भी अगर इस तरह के नतीजे आते हुए दिखेंगे जो ये रुझान है, तो बहुत जो कहीं पे कहीं कुछ चूक रह गई है बड़ी? ये निधि, बहुत जल्दीबाजी होगी इसको ये कहना कि ये एग्जिट पोल जो है वो नतीजे हैं। अब एकदम, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जिट पोल के ओपोजिट ही आ जाते हैं परिणाम, ये रियल परिणाम। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी इंतजार करना होगा, 2 दिन की बात है कि नतीजे क्या दिखाते हैं। अभी भी हमें विश्वास है कि एमसीडी में भाजपा ही आगे बढ़ जाएगी। तो ये समय ऐसा है पोल ऑफ एग्जिट पोल, एमसीडी के हमने एग्जिट पोल के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं, साथ ही गुजरात के भी एमसीडी प्रोजेक्शन, माफ कीजिए, विधानसभा प्रोजेक्शन आने वाले हैं, उस पर हम नजर डालेंगे। देवेंद्र पटेल हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र जी, आपका इस समय आंकलन, अगर एमसीडी के हम दिखा रहे हैं तो मैं एमसीडी पे ही चर्चा कर लेती हूँ, तो ये एमसीडी की अगर ये ताजा तस्वीरें तो मुझे बताइए, या चुनाव प्रचार के दौरान की अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें हैं ये आप अगर मुझे बता सकते हैं पीसीआर, लेकिन इस समय आपको बता दें एमसीडी पर ही हम इस समय फोकस कर रहे हैं अपना। संजीव झा, इस समय जो ये प्रोजेक्शंस हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए ये बहुत अहम हो जाता है, पंजाब के बाद ये बहुत अहम है जो ये प्रोजेक्शंस आ रहे हैं एमसीडी के। हाँ देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 7 साल से जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल का जो गवर्नेंस है उससे दिल्ली के लोगों को फायदा हो रहा है, दिल्ली के लोग इससे खुश हैं। तो मैं वही कह रहा था कि एक तरफ जो भाजपा नकारात्मक प्रचार प्रसार कर रही है, अफवाहों की राजनीति कर रही है, गाली गलौज करती कर रही है, दिल्ली की जनता उससे खुश नहीं है। दिल्ली की जनता ये मानती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हुए हैं, वो मानते हैं कि दिल्ली के अस्पताल अच्छे हुए हैं, लोग बिजली फ्री, पानी फ्री मिल रही है, महिलाओं की यात्रा फ्री मिल रही है, दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिल रही है उनको। दूसरी तरफ एमसीडी के स्कूल्स के बहुत बुरे हालात हैं, एमसीडी के अस्पताल के बहुत बुरे हालात हैं, दूसरी तरफ एमसीडी का केंद्र बन के रह गया। संजीव जी, आप ये बात कर रहे हैं, आप मुझे तो ये बता दीजिए, मुझे तमाम लोग आप भेज रहे हैं अपनी सवाल, बोल रहे हैं कि भाई जब से पोल के
एग्जिट पोल के ये इंडिकेशंस आए हैं, आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है? बीजेपी अगर अब तक होती तो वो तो जश्न मना रही होती, वो तस्वीरें भी आ जाती हैं, अब तक आधा घंटा हो गया है, क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के खेमे में? देखिए, जनमत को हम स्वीकार करते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम जो वादा करते हैं फिर उस पर काम शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा 2013 में जब पहली बार आपने कहा था कि बिजली आधे देंगे, पानी मुफ्त देंगे, तो कहते थे ये कैसे संभव नहीं है, और सरकार बनने के 49 घंटे के अंदर हमने 48 घंटे के अंदर पानी मुफ्त दिया था। तो हमने जो वादे जनता से किए हैं एमसीडी वो ठीक करना है, 15 साल में एमसीडी व्यवस्था को जर्जर करके रख दिया है, तो अगले दिन से उस पर काम करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है ये जस्ट की नहीं है, जिम्मेदारी की बात है कि जनता ने भरोसा किया है तो उस जिम्मेदारी पर खरे उतर करके एक एक वादों पे काम करना है, अशोक एमसीडी से जनता त्रस्त, तो समाधान देना है जी। अशोक सिन्हा, आपको लगता है जो ये प्रोमिसेज आम आदमी पार्टी कर रही है उसका असर लोगों पर पड़ रहा है, खासतौर से जो युवा है गुजरात में, कुछ पॉकेट्स में ही सही असर पड़ेगा इसका? निधि, ये बिल्कुल ही कंपैरिजन बेकार है। ये इन्होंने हिमाचल में भी किया था, इन्होंने उत्तराखंड में भी किया, इन्होंने यूपी में किया, कोई इनसे कन्विंस नहीं हो पाया है। अब ये तो एक फेनोमेनन होगा। पंजाब में तो हुए कन्विंस लोग, पंजाब में हुए मैं मान रहा हूं, इसलिए कि पंजाब में इनको डायरेक्ट टक्कर कहीं बीजेपी से नहीं थी, लेकिन अब गुजरात में ये गए हैं, मैं समझता हूं कि एक दो सीट अगर आ गया तो बहुत गनीमत समझिए। और इनकी लड़ाई वहां कांग्रेस से हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं कि उसके मुस्लिम कम्युनिटी को हम अपने साइड में करें। इससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल का कोई फेनोमेनन इंडिया के किसी क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं। देवेंद्र पटेल, आपसे, आपको याद होगा जब प्रचार हो रहा था प्रधानमंत्री ने भी रेवड़ियों की बात की थी, दिल्ली में आप असर देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी वायदे करती है, तमाम राजनीतिक दल उसी तरह के वायदे अपनाने को एक तरह से मजबूर हैं। देवेंद्र जी, क्या मानते हैं, आपका क्या आंकलन, जो ये वायदे होते हैं, दावे होते हैं, इनका कितना असर हो सकता है गुजरात के युवाओं पर या कुछ पॉकेट्स पर ही सही गुजरात में? देखिए, गुजरात में आम आदमी की जो पार्टी जो एंट्री हुई है, अगर केजरीवाल मानते हैं कि हमने रेवड़ी कल्चर से उनको मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में खाना देंगे, एजुकेशन दे देंगे, तो ये गुजरात का कल्चर नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि हर स्टेट की अपनी एक कल्चर होती है, हर स्टेट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। गुजरात में, गुजरात के लोग आज से 400 साल पहले पवन से चलने वाले जहाज में बैठकर अफ्रीका कमाने के लिए जाते थे। वो मेहनत करते हैं, मेहनत से उनको जो मिलता है वो लेने में उनका एक सम्मान है, उनकी एक अस्मिता है, उनका एक प्राइड है। अगर आप यहाँ पर भूत देने की बात करेंगे तो वो बात तो यहाँ पर चलने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जो मैं कहता हूँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, तो गुजरात के लोगों को ये मुफ्त की बात से आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहरहाल, ये आप देखिए, पोल ऑफ एग्जिट पोल हमारे सामने है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से गुजरात की 182 सीटों पर प्रोजेक्शंस आ गए हैं, हिमाचल के भी आ गए, एमसीडी के भी आ गए, तो हम देख सकते हैं पोल ऑफ पोल्स में गुजरात में बीजेपी को 128, कांग्रेस को 44, आम आदमी पार्टी को 7 और अन्य को 3 मिलती हुई दिख रही है। ये अपने आप में हम देख सकते हैं किस तरह से ये गुजरात के थे, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हिमाचल के। ये हिमाचल में आप देख सकते हैं पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 37, पिछली बार 44 थे, इस बार 37, कांग्रेस इस बार 21, पिछली बार 21 थी, अब ये 30, और आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन अपने आप में जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ करेगी वो ऐसा नहीं हो पाया, और बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से आती हुई दिख रही है इस राज्य में, एक बार फिर से हिमाचल एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक सिन्हा, हिमाचल गुजरात के एग्जिट पोल्स हमारे सामने आ गए हैं, राहत की सांस ले रहे हैं आप? राहत की सांस का क्या है निधि, हम लोग का तो अनुमान ही था कि गुजरात में वन साइडेड पोल होगा, और आशा के अनुरूप हिमाचल में भी ऐसा होता है कि एक बार
बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस, लेकिन वो ट्रेडिशन को भी हम लोग तोड़ रहे हैं, बीजेपी तोड़ रही है। ये बहुत बड़ा एक घटना है इंडियन पॉलिटिक्स का, खासकर हिमाचल का। उत्तराखंड में हम लोगों ने ये ट्रेडिशन तोड़ा, अब हिमाचल में भी तोड़ रहे हैं। जहां गुजरात की बात है तो देयर वॉज नो फाइट एट ऑल। और मैं फिर आ रहा हूं आपके ऊपर, आप जो था वो मैं समझता हूं कि हर कोई इनके गलीबुल टॉक से कन्विंस नहीं होता है निधि। अब कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, जरा हिमाचल पे बात कर लूं, वहां पे तो खाता हुआ खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर सुदीप के पास जाऊं, क्योंकि सुदीप ने हिमाचल प्रदेश में बहुत ट्रैवल किया है, सुदीप आप किस तरह से देख रहे हैं प्रोजेक्शंस जो आए हिमाचल के? जयराम ठाकुर ने कहा था रिवाज बदल देंगे, तो क्या ये हुआ है, रिवाज बदला है? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता ये। मुझे लगता है कि हिमाचल में अंततः कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, वहां पर कांग्रेस की 40 तक सीटें आने की उम्मीद है मुझे। और ये गुजरात का मुझे बिल्कुल ठीक है कि गुजरात भाजप, दिल्ली आप और हिमाचल में कांग्रेस। तो मैं अभी, क्योंकि ये जो पोल दिखा रहे हैं केवल तीन है, जैसे कि आप गुजरात में देखिए तो 6 चैनल ने किया है, यहां पे केवल 3 का दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है कि बाकी 3-4 नतीजे और अभी आने हों, और वो भी दिखाया जा रहा है बहुत क्लोज, 37-30। इसका मतलब वहां पर कंटेस्ट है, ये तो एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। और अगर 2% की मार्जिन एरर भी होगी तो सीटें बदल जाएंगे। तो मैं हिमाचल में अभी मानता हूं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर मैं देवेंद्र जी आपके पास जाऊं और गुजरात अब दिखाएं, दर्शकों को बहुत दिलचस्पी गुजरात में है, गुजरात के अगर एग्जिट पोल्स अगर हम दिखाते हैं, आपका क्या आंकलन सर? जिस तरह से बीजेपी एक बार फिर से आती हुई दिख रही है गुजरात में, 27 साल तो पावर में रही है, अब फिर एक बार और। पहले ऐसा माना जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कमाल की बात है या आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी है, मतलब कि 2017 में जो रिजल्ट आए थे इससे बेहतर रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी ला रही है। और इसकी एक वजह है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का चेहरा, इसका फेस एक ब्रांड है, वो गुजरात के है, और अमित शाह का माइक्रो प्लानिंग है। जो माइक्रो प्लानिंग किया है, माइक्रो मैनेजमेंट किया है, वो कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस का तो आज ऐसा समझ लो कि 140 साल उसकी के होने वाली पार्टी, आज मैं वो हूं तो नेतृत्व विहीन और लक्ष्य विहीन, उसका कोई एम ही नहीं है। उन्होंने कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 270 रैलियां की, मोदी जी ने 34 मीटिंग की, 7 राज्यों के चीफ मिनिस्टर गुजरात में लाए गए, और हर कोने में बड़े बड़े लीडरों की थी। तो यहाँ पर सिर्फ दो बार राहुल गांधी आके चले गए, खड़गे जी एक या दो बार आए और आके भी ऐसा बोल के गए कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी को ही उसका फायदा हो जाए। तो मतलब कि कांग्रेस का ना ही तो कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है। एक जमाने में उसके पास सेवा दल करके एक संगठन था, और हर गांव में सेवा दल का एक स्वयंसेवक होता था जो मतदारों को पकड़ के वो पोलिंग बूथ तक ले जाता था। आज सेवा दल सिर्फ कागज पर है। नहीं, अगर देवेंद्र जी इतनी निराशा थी तो 44 सीटें थी पिछली बारी, अब 41 यहाँ पे प्रोजेक्शन में दिखाई दे रही है। यानी कि जो स्थानीय नेताओं ने जो अपना थोड़ा बहुत दमखम लगाया, या कुछ लोगों ने जो थोड़ी बहुत प्रचार किया, उसमें 41 मिल गए। अगर और मेहनत करती कांग्रेस तो कुछ और हासिल कर सकती थी। नहीं, मैं इसको एक बात बताऊं जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस का जो अभी जो संगठन है वो ऐसे सिमट के सिर्फ एक ही ज्ञाति का या एक ही कोम का बनके रह गया है। इसमें सभी अपर क्लास के जो लीडर थे वो लीडरों को कहीं स्थान नहीं है, तो लगता है। और फिर उन्होंने एक ओबीसी कार्ड खेला कि हमारा जो मुख्यमंत्री अगर होगा तो हम शायद, उन्होंने ऐसा इशारा किया कि ओबीसी का मुख्यमंत्री हो सकता है और 3 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। मुझे ख्याल से ये इनके खिलाफ गया, क्योंकि ऐसा भी ओबीसी हो या कुछ नहीं हो, जब आप हिंदुत्व के एक बैनर के नीचे आ जाते हो तो सभी कौम एक अंडर एक हिंदुत्व के नीचे आ जाती है। अभी जो ओबीसी कार्ड उन्होंने पहला था वो खाम फेरी की वजह से तो कांग्रेस 27 साल से आज सत्ता पर नहीं है, और 47 साल नहीं हो क्योंकि वो माधव सिंह सोलंकी के समय में जो परिस्थिति थी कि भाई आप सिर्फ एक ही जाति या एक ही कौम या पिछड़े लोगों को के लिए आप सरकार चल रही है, और
मतलब कि ये अभी कार्ड यहाँ पर गुजरात में चलने वाला नहीं है, यहाँ पर चलता है नरेंद्र मोदी का चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा, क्योंकि माइक्रो प्लानिंग तो दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी हुई है, तो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो चला है गुजरात में। पोल ऑफ पोल्स में लगातार हमारी नजर बनी हुई है, बहुत ही आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम रुझान एक तरह से कह दें तो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। अंत में बहुत थोड़ा समय है, आम आदमी पार्टी का जो गुजरात में जो खाता खुलता हुआ ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ये अपने आप में कितना अहम है। 27 साल के बाद एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता यहाँ पे मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी अपना खाता खोलती हुई दिख रही है यहाँ पर, माफ कीजिए आम आदमी पार्टी। सुदीप, कैसे देखेंगे इसे आप, कितना अहम? देखिए, गुजरात में जितना मैं घूम रहा हूं उसमें मुझे ये आशंका दिखाई दे रही है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से गुजरात के चुनाव को पूरी ताकत से नहीं लड़ा है, तो कहीं किसी दो चार हिस्सों में, जैसे कि सौराष्ट्र में या साउथ गुजरात में या अलग अलग जो हिस्से हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाए, कुछ इलाकों में भले वो सीटें ना जीते, लेकिन ये कांग्रेस के तरफ से जिस तरीके से चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया गया, ये बिल्कुल सही बात है, उससे बहुत बड़ी आशंका दिख रही है। ठीक है ठीक है, मैं एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले रही हूँ। सापरा जी, कांग्रेस ने जिस तरह से बिल्कुल मेहनत नहीं की वही दिख रहा है यहाँ पर एग्जिट पोल में। इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, पहले फेस में भी 63% हुआ है, आज भी 60 के करीब हुआ है, यानी कहीं ना कहीं गुजरात की जनता के बीच में उदासीनता है। जो करंट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रति लोग नाराज हैं, लोग वोट करने के लिए नहीं गए हैं, तो ये इसका आंकलन, ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है सर कि वो वोट ही नहीं करना चाह रहे, बदलाव नहीं चाह रहे। देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी, माफी चाहती हूँ, मेरे पास बहुत संक्षेप में समय है, आम आदमी पार्टी का खाता क्या खुलता हुआ अगर नजर आता है, इसका क्या संदेश? देखिए, अर्बन वोटर्स में थोड़ी सी नाराजगी थी, उसका शायद उनको फायदा मिल सकता है, गांवों में नहीं, क्योंकि किसी भी गुजरात में 23,000 गांव है, 18,000 ग्राम पंचायत है, उसमें से 10,000 को गांव ऐसे है जहां आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर भी आपको नहीं मिलेगा, तो ये सिर्फ वो सिंगल डिजिट में वो सिमट के रह जाएगी, वरना वो इतना इंप्रेसिव कुछ आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ नहीं करने वाली। बिल्कुल, धन्यवाद आप तमाम लोगों का, आप लोग जुड़े, पोल ऑफ एग्जिट पोल हम सबके सामने है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश अब जुड़ने जा रहे हैं, वो यहाँ पर आएंगे, चर्चा लगातार NDTV इंडिया पर जारी रहेगी। नमस्कार।